इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाकिस्तान की एक और साजिश नाकाम। अमृतसर में संदिग्ध टिफिन बॉक्स बम बरामद। टिफिन बॉक्स में किया गया था आईईडी सेट। पंजाब के डीजीपी के मुताबिक टिफिन बॉक्स में था 2 किलो आरडीएक्स। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजा गया था आरडीएक्स। अमृतसर के पास डली के गांव में 7 से 8 अगस्त की रात को कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी थी। जांच में खुलासा हुआ 7 थैलियों में रखे थे 5 हैंड ग्रेनेड 100 कारतूस भेजे। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। 2 संदिग्ध लोगों का मूवमेंट देखे जाने के बाद चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। पीएम मोदी ने जारी किया किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त। किसानों के खाते में 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर। देश के करीब 9,75,00,000 किसानों को रकम ट्रांसफर की गई। पीएम सम्मान निधि के तहत अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगातार बढ़ रही किसानों की आमदनी। किसानों की आय बढ़ाना हमारा लक्ष्य। लोकसभा में सरकार संविधान संशोधन पेश। राज्यों को मिलेगा ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार। ओबीसी संविधान संशोधन बिल पेश के लिए सोनिया गांधी संसद में मौजूद। विपक्ष आज ही बिल पास करवाने की मांग करेगा। ओबीसी संविधान संशोधन बिल के समर्थन में विपक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हम सबका फर्ज है गरीबों और पिछड़ों के हित में जो भी कानून आता है उसका समर्थन करें। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा किसी को आरक्षण देने के लिए उन्हें घोषित करना पड़ता है। पिछड़ा राज्यों को वापस मिल रहा है अधिकार। भारी हंगामे के बीच लोकसभा में 2-2 बिल पास हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की स्पीच के दौरान वेल में पहुंचे विपक्षी सांसद। पेगासस के मुद्दे में पर आज फिर राज्यसभा में हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। लोकसभा में भी पेगासस के मुद्दे पर विपक्ष की नारेबाजी। वेल में पहुंचे सांसद कार्यवाही 4-4 बार स्थगित। मनीष तिवारी का सरकार पर अटैक। कहा सरकार ने जबरदस्ती कई कानून पास करवाया ऐसा रहा तो लोगों के पास सड़क पर उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों में ओलंपिक के पदक विजेताओं को बधाई दी गई। लोकसभा स्पीकर ने कहा भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन गर्व का विषय। युवाओं में नई ऊर्जा का होगा संचार। राज्यसभा के सभापति ने भी खिलाड़ियों को दी बधाई। वेंकैया नायडू ने कहा टोक्यो ओलंपिक से खेलों में भारत के गौरव की शुरुआत। खिलाड़ियों ने आत्मविश्वास दोबारा लौटाया। वेंकैया नायडू ने कहा नीरज चोपड़ा ने गोल्डन थ्रो से भारत को दिलाया गोल्ड मेडल। नीरज के दबदबे से साबित होता है कि हम ये भी कर सकते हैं। इतिहास रचने के बाद आज वतन लौटेंगे ओलंपिक के विजेता खिलाड़ी। नीरज चोपड़ा समेत मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का आज शाम 6:30 बजे होगा स्वागत। खराब मौसम के कारण ओलंपिक खिलाड़ियों के सम्मान समारोह की जगह बदली गई। अब मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की बजाय अशोका होटल में होगा सम्मान समारोह। सिल्वर मेडल विजेता रवि दहिया और ब्रॉन्ज मेडल विजेता बजरंग पुनिया भी लौटेंगे दिल्ली। पुरुष और महिला हॉकी टीम भी आ जा रही है दिल्ली। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की परफॉर्मेंस को किरण रिजिजू ने बताया ऐतिहासिक। कहा पहली बार हमारे 127 खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स में लिया हिस्सा। सभी खिलाड़ियों का होगा दमदार स्वागत। बीजेपी सांसद सनी देओल ने ओलंपिक में खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस की तारीफ की। कहा लोगों को मिलेगी प्रेरणा। खेलों को बढ़ावा देने से बेहतर कुछ नहीं। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर को सावन में खोलने की मांग पर बीजेपी का प्रदर्शन। मंदिर के बाहर पूजा और आरती की। उधर सरकार से त्र्यंबकेश्वर समेत प्रदेश के सभी मंदिरों को खोलने की मांग। पूछा जब दूसरे राज्यों के मंदिर खुले हैं तो यहां क्यों बंद। बीजेपी के प्रदर्शन के पहले नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बाहर भारी सुरक्षा। मंदिर के सभी 4 गेट्स पर पुलिस की तैनाती। पूरे रास्ते को सील किया। पुलिस ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर के मुख्य दरवाजे को बंद किया। मुख्य दरवाजे के बाहर लोहे का गेट बनाया। मार्शल गार्ड भी तैनात। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर धर्म की सियासत करने का आरोप लगाया। कहा कोरोना काल में जब सबसे ज्यादा हिंदू मर रहे थे तो कहां थी बीजेपी। मुंबई में 15 अगस्त से लोकल ट्रेनों में आम लोगों को मिलेगी इजाजत। वैक्सीन की दोनों डोज लेने के 14 दिन पूरे होने के बाद मिलेगी एंट्री। उद्धव ने कहा सरकार मंदिरों के अलावा शॉपिंग मॉल दुकानों को भी ढील देने पर विचार करे। आज कोरोना टास्क फोर्स की बैठक में होगा फैसला। उद्धव सरकार के फैसले का लोगों ने किया स्वागत। वैक्सीनेशन में भी तेजी लाने की मांग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल। कल त्रिपुरा में हिंसा में घायल टीएमसी कार्यकर्ताओं से मिली। मुलाकात के बाद ममता ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले के लिए गृहमंत्री अमित शाह को ठहराया जिम्मेदार। कहा बीजेपी जहां भी शासन में वहां अराजकता का राज। ममता ने कहा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की ऐसी हमले के आदेश देने की हिम्मत नहीं। अभिषेक बनर्जी की जान खतरे में थी। तेजस्वी और तेज प्रताप में शुरू हुआ पोस्टर वॉर। तेज प्रताप के पोस्टर में तेजस्वी की फोटो नहीं। तेजस्वी के समर्थकों ने पोस्टर पर पोती काले। तेजस्वी यादव ने आरजेडी ऑफिस के बाहर नया पोस्टर लगवाया। पोस्टर में तेज प्रताप की फोटो नहीं। आरजेडी नेताओं ने पोस्टर वॉर से किया इनकार। उदय नारायण चौधरी ने कहा विपक्षी नेताओं ने पोती होगी काले। तेजस्वी है हमारे नेता। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कार्यकर्ताओं ने लगाए थे दोनों नेताओं के पोस्टर। विपक्ष की कार्यस्थानी करार दिया। मुंबई में समाजवादी पार्टी विधायक अबू आसिम आजमी पर केस दर्ज हुआ। जन्मदिन समारोह में कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप। कल अबू आजमी के जन्मदिन पर मुंबई के गोवंडी में कई जगह हुआ था समारोह। अबू आजमी के घोड़े पर सवार होकर उन्होंने निकाली थी रैली।
कोविड गाइडलाइंस तोड़ने पर अबू आसिम आजमी की अजीबोगरीब सफाई, कहा हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, जहां जाते हैं वहां लोग आ जाते हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कल दिल्ली में सोनिया गांधी से कर सकते हैं मुलाकात, कैबिनेट में बदलाव पर चर्चा कराने की उम्मीद, सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी सोनिया को सौंपेंगे। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक किए जाने के मामले में दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर, श्रीनगर में नए पार्टी ऑफिस का करेंगे उद्घाटन, कल खीर भवानी मंदिर में करेंगे दर्शन। इस बार 15 अगस्त को सीपीएम के दफ्तरों पर पहली बार फहराया जाएगा तिरंगा, पार्टी ने किया स्वतंत्रता दिवस समारोह जोर शोर से मनाने का फैसला। लखनऊ में काकोरी शहीद स्मारक पहुंचे सीएम योगी और गवर्नर आनंदीबेन पटेल, काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। काकोरी शहीद स्मारक पर स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की याद में लगी चित्र प्रदर्शनी, चित्रकला प्रतियोगिता का भी हुआ आयोजन, गवर्नर आनंदीबेन ने रिबन काटकर शुरुआत की। सीएम योगी ने क्रांतिकारियों के काकोरी ट्रेन एक्शन को बताया साहस का प्रतीक, कहा देश की स्वाधीनता से बढ़कर कुछ नहीं, आजादी को हर हाल में सुरक्षित रखना है हर भारतीय का दायित्व। सीएम योगी ने कहा हर जाति और हर समुदाय ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, काकोरी की घटना ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत की जड़। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कहा आजादी के बाद भुलाया गया हमारा इतिहास, नई पीढ़ी को इस तरह की घटनाओं के बारे में बताने की जरूरत। मेरठ में शहीद स्मारक पर शहीद सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि, आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में हुआ कार्यक्रम। अगस्त क्रांति दिवस पर मुंबई में कार्यक्रम, कांग्रेस नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने फहराया तिरंगा, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले समेत सभी कांग्रेसी नेता मौजूद हैं। कल उज्ज्वला 2.0 योजना लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, यूपी के महोबा में बांटेंगे एलपीजी गैस कनेक्शन। पीएम मोदी आज बनाएंगे इतिहास, पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्चुअली डिबेट की अध्यक्षता करेंगे, शाम 5:30 बजे होगी समुद्री सुरक्षा पर ओपन डिबेट। यूएनएससी में समुद्री सुरक्षा पर ओपन डिबेट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई राष्ट्राध्यक्ष भी होंगे शामिल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे हिस्सा। सोमनाथ में पार्वती मंदिर का शिलान्यास और वॉकवे का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, 9 से 15 अगस्त के बीच कर सकते हैं उद्घाटन। 45 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है 1.25 किलोमीटर लंबा वॉकवे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम करेंगे लोकार्पण। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। कांग्रेस ने अफगानिस्तान से हिंदू और सिखों को जल्द निकालने की मांग की, कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को चिट्ठी लिखी। धनबाद जज मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, सीबीआई को हर हफ्ते झारखंड हाईकोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा, हाईकोर्ट हर हफ्ते करेगा समीक्षा। बॉर्डर विवाद सुलझाने के बाद पीएम मोदी से मिले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, संसद भवन में पीएम के कमरे में हुई उनसे मुलाकात। अहमदाबाद में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी, सरकार की सख्ती के बावजूद काम पर नहीं लौटे। कर्नाटक के नए सीएम बसवराज बुम्मई पहुंचे मैसूर, चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा की, देवी का आशीर्वाद लिया। सावन के तीसरे सोमवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, भस्म आरती के दौरान कोरोना से लोगों के बचाव के लिए खास पूजा की। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतार, बाबा के दर्शन के लिए रात से कतार में खड़े लोग। एलएसी पर चीन बॉर्डर के पास सेना ने दिखाया अपना दमखम, पूर्वी लद्दाख में करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर सेना के T-90 भीषण टैंक ने अभ्यास किया। सेना ने पूर्वी लद्दाख में T-90 के अलावा T-72 टैंक भी तैनात किए, ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशंस के लिए पूरी तरह से तैयार सेना। पूर्वी लद्दाख में फॉरवर्ड लोकेशन पर सेना के गरुड़ स्पेशल फोर्स की तैनाती, नेगेव लाइट मशीन गन और AK-47 के साथ मुस्तैद है स्पेशल फोर्स के जवान। जाइडस कैडिला की वैक्सीन को इसी हफ्ते मिल सकती है मंजूरी, देश में मंजूर वैक्सीन की संख्या बढ़कर अब हो जाएंगी 6। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दूसरे पक्षों से 4 हफ्ते में मांगा जवाब, याचिका में कोविड वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के डेटा को रिलीज करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई पर नेशनल टास्क फोर्स की सिफारिशों पर केंद्र से मांगा जवाब, 2 हफ्तों में अपना पक्ष रखने को कहा। दिल्ली में आज से खुलेंगे साप्ताहिक बाजार, कोरोना के केस कम होने पर केजरीवाल सरकार का फैसला, लॉकडाउन के बाद हुए थे बंद। दिल्ली में आज से 10वीं और 12वीं के छात्र दाखिले और प्रैक्टिकल्स के लिए जा सकेंगे स्कूल, स्कूलों में पढ़ाई पर रोक अभी भी जारी। देश में कोरोना के 35,000 से ज्यादा नए केस मिले, 24 घंटे में 447 मरीजों की मौत, करीब 39,000 मरीज रिकवर हुए। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मिक्स डोज ने दिखाए अच्छे रिजल्ट, ICMR की स्टडी में दावा। अब व्हाट्सएप पर मिलेगा वैक्सीन सर्टिफिकेट, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीजों की संख्या 21 से बढ़कर 45 हुई, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा मरीजों के संपर्क में आने वालों की टेस्टिंग ट्रेसिंग जारी। दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 83% सैंपल्स में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि, पिछले 3 महीने के आंकड़े से हुआ खुलासा, स्वास्थ्य विभाग ने DDMA को दी जानकारी। महाराष्ट्र में कोरोना के 5,508 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में कोरोना से 151 लोगों ने अपनी जान गंवाई।
केरल में कोरोना के 18,607 नए केस मिले, 24 घंटे में 93 मरीजों की जान गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा और यमुना, निचले इलाकों में भरा पानी, लोगों को उठानी पड़ रही है परेशान। गंगा का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी में आई बाढ़, हालात का जायजा लेने के लिए यूपी के जल शक्ति मंत्री ने किया हवाई सर्वे। वाराणसी के निचले इलाकों में भरा बाढ़ का पानी, प्रभावित इलाकों से लोगों को निकाला गया, अलर्ट मोड में एसडीआरएफ। गुजरात के अमरेली में बड़ा हादसा, ट्रक ने रोड के किनारे झुग्गियों में सो रहे 10 लोगों को कुचला, 8 लोगों की मौत, 2 बच्चे जख्मी। पुलिस के मुताबिक नींद आने के कारण ट्रक ड्राइवर ने खोया संतुलन, मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। मुंबई में एक्टर अनुपम श्याम का निधन, मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से मौत हुई, लाइफलाइन अस्पताल में लिया आखिरी सांस। एक्टर यशपाल शर्मा ने कहा श्याम को थी ब्लड शुगर की समस्या, शूटिंग के दौरान लेते थे इंजेक्शन। जेके सीमेंट के बनाए हर राह आसान के तहत बड़ी पहल, जयपुर के सरकारी स्कूल में एक दिन में बनाए 250 रैंप। जेके सीमेंट के मार्केटिंग प्रेसिडेंट पुष्पराज सिंह ने कहा हमारे पूर्व सीएमडी श्री यदुपति सिंघानिया का सपना था शिक्षा को सुलभ बनाना। गुजरात के वडोदरा में एक घर से 14 कछुए बरामद हुए, पिंजड़े में छिपा कर रखे गए थे कछुए। जापान के नागासाकी में परमाणु बम हमले की 76वीं बरसी, मेमोरियल स्थल पर रखा गया 1 मिनट का मौन, जापान के पीएम भी हुए शामिल। पाकिस्तान के क्वेटा में एक लग्जरी होटल के पास पुलिस वैन को निशाना बनाकर ब्लास्ट, 2 पुलिस वालों की मौत, 12 जख्मी। ब्राजील के राष्ट्रपति ने ब्राजीलिया में निकाली बाइक रैली, रैली में ज्यादातर लोग बिना मास्क के आए नजर। ग्रीस के जंगलों की आग हुई बेकाबू, आसपास के गांवों को खाली करने के लिए अलर्ट जारी हुआ। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने 21 साल बाद क्लब बार्सिलोना को कहा अलविदा, कहा मैंने कभी इस दिन के बारे में सोचा नहीं था। ऋतिक की फिल्म कोई मिल गया के 18 साल पूरे हुए, एक्टर ने मनाया जादू का 21वां जन्मदिन, ट्वीट करके लिखा उस वक्त जादू की उम्र थी सिर्फ 3 साल। बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हुआ लॉन्च, करण जौहर कर रहे हैं शो को होस्ट, प्रीमियर पर मलाइका अरोड़ा खान ने भी धमाकेदार परफॉर्मेंस। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।